इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केरल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतिशबाजी के कारण लगभग 154 लोग आग में झुलस गए हैं। और अभी तक के अपडेट के अनुसार ये खबर है कि 154 लोगों में 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि ये केरल के अंजुतांबलम वीर कवु मंदिर है, जहां पर एक थेयम महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आतिशबाजी की जा रही थी, जिसके बाद ये खबर आती है कि लगभग 154 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं और 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो केरल से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आने वाले 2 दिन के बाद दिवाली है, जिसके बाद से पूरे देश में पटाखे छुटाए जाते हैं और आतिशबाजियां मनाई जाती हैं, जिसके बाद से शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सतर्क होता है और तमाम जिम्मेदारियां बढ़ जाती है शासन प्रशासन की, और कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम भी किए जाते हैं। लेकिन केरल से एक ऐसी खबर इस बीच आ जाती है जहां पर आतिशबाजी के कारण लगभग 154 लोग आग में झुलस जाते हैं और 8 से 10 ऐसे लोग होते हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पे तमाम सुरक्षा के इंतजाम होंगे। तो एक बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां पे थेयम महोत्सव मनाया जा रहा था और 154 लोग घायल हो जाते हैं। खबर ये भी आ रही है कि एक कमरे में लगभग 25,000 के लगभग आतिशबाजी के लिए जो सामान होते हैं वो रखे गए थे, जहाँ पर एक चिंगारी जाती है, जिसके बाद से ये कहीं ना कहीं आतिशबाजी आग का रूप ले लेती है और उसमें कम से कम 154 लोग घायल हो जाते हैं। इस आतिशबाजी में कहीं ना कहीं भगदड़ भी हो जाती है, जिसके बाद से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और एक लड़की का भी इसमें बयान सामने आया है, जो कहती है कि मैं और कुछ अन्य लोग गिर पड़े, हमें चोट भी आई, लेकिन मेरी बहन सुरक्षित बच गई है। तो एक लड़की का ये भी कहना है कि जब आतिशबाजी कारण वहाँ पर आग लगती है, उस मंदिर में आग लगती है, तो उसके बाद भगदड़ भी मचने लगती है, जिसके बाद से भगदड़ में कई लोग दब भी जाते हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से भी कई लोग घायल हो जाते हैं, जिससे घायलों की संख्या लगभग 154 हो जाती है। इसमें से लगभग 94 ऐसे लोग हैं जो कि मामूली रूप से भी घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। तो उन सभी को कहीं ना कहीं अस्पतालों में भर्ती कराया गया, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रशासन की भी इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें प्रशासन ने बताया कि मंदिर की तरफ से आतिशबाजी के लिए पर्याप्त लाइसेंस नहीं लिए गए थे और लगातार इसमें आतिशबाजी की जा रही थी, जिसके बाद से अब जो वहां के मंदिर प्रशासन के 3 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर थी केरल से, जहां पर लगभग 154 लोग घायल हुए थे और लगभग 8 ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अगर बात करें कहाँ पर हुआ है, तो केरल के अंजुतांबलम वीर कवु मंदिर है, जहां पर एक थेयम महोत्सव मनाया जा रहा था। दिवाली के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये महोत्सव मनाया जा रहा था, थेयम महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी के कारण आग एक भयंकर रूप ले लेती है, जिसके बाद से कई लोग घायल हो जाते हैं और घायलों की संख्या इस वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आग लगी तो वहां पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद से लगभग 154 लोग घायल हो जाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस प्रकार से आग अपना बवंडर रूप ले लेती है और लगभग 154 लोग घायल हो जाते हैं।